में मेरी जिंदगी में मुझसे जो कोई सवाल पूछता है ना, ये सवाल उसमें जरूर आता है। मैं ये लेबल अपने ऊपर से कैसे उतारूंगी, मुझे समझ नहीं आता कभी। हाँ, पहले सवाल पूरा। अच्छा, हुआ ये था, मैं और मुरीद मेरे अंकल, हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग एक पैकेज हम लोगों ने अनाउंस किया जिसमें कोई गधों की रेस हो रही थी। अब वो जो पैकेज था ना, वो बड़े ही कोई उसमें शश के डाल के, अब समा का एक रिवायती अंदाज है, वो इस टाइप के पैकेजेस बनाते हैं। एक तो वो गधों की कोई रेस या कतर नहीं, गधों की नुमाइश थी वो कोई। अब वो उस पैकेज में वहां से दिल के अंदर से गधा निकल रहा है, वहां से पीछे से गधा आ रहे हैं, उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, वो उसको लगाम से पकड़ा है और उसको उन्होंने फुल शश के डाल के बनाया हुआ है, और इस गधे का ये नाम, उस गधे का वो नाम, ये इस तरह की बातें हो रही है। तो मैं और मुरीद एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि समा का पैकेज, और समा 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 हो रही थी। अब हम लोगों ने उसके बाद एक पैकेज करना था, तो हम वो ना सबकॉन्शियस में हमारी चल रहा है, अच्छा, बस ठीक है अभी हटेगा और हम नेक्स्ट पैकेज अनाउंस कर देना है। वो जब आया है तो शायद ऑन स्क्रीन आए, शायद टाइम खत्म हो गया, और उसके बाद एकदम से प्रोड्यूसर ने हमारे कान में बोला कि जी ब्रेक अनाउंस कर दे। तो मुरीद ने ब्रेक अनाउंस की और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया, देख रही है समा। और जब मैंने बोला है तो मुझे अपनी खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये क्या बोल दिया है, मैंने बोला कैसे है। और मैं इतनी हैरान थी कि मुझे कुछ समझ भी नहीं आया और मैं हंसी से उस वक्त लोटपोट हो गई। अरे उस वक्त तो फनी था, बाद में इट वॉज हॉरिबल, बहुत गंदा, बहुत बैकलैश आया था, पीपल सपोर्टेड एज वेल, बट इट वॉज होता ना। प्लस मैंने अपनी जर्नल ये शुरू की थी, तो लोगों का, मैं पहले ऐसी होती थी कि लोगों का फीडबैक रियली मैटर्ड, सो आई वाज हार्ट ब्रोकन एंड देन आई मेंडेड इट बैक अगेन, ऐसी की तैसी सब की। मीडिया स्पिन तो मुझे वैसे ही बड़ा बुरा लगता है, मैं देखती नहीं, मैंने इनको सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, मैं मुझे कुछ नहीं पता ना, इनकी स्टोरीज देखती हूँ मैं ना, ये लोग जो हर वक्त चीजें पोस्ट कर रहे होते हैं वो मैं देखती हूँ। Do not subscribe to it.